हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम बात करेंगे कोटक बैंक का अकाउंट आपका फ्रीज हो गया है, डोरमेट हो गया है या ब्लॉक हो गया है, तो उसे अनब्लॉक, अनडोरमेट और फ्रेंड अनफ्रीज कैसे करें, तो पूरा प्रोसेस आपको मैं ऑनलाइन बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा भी अकाउंट बंद हो गया, तो मैंने कैसे चालू किया वही प्रोसेस आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो आपको लाइव देखिए, अभी मेरा अनब्लॉक हुआ फ्रेंड्स। इससे पहले मेरा पूरा लॉगिन नहीं कर पा रहा था अंदर इसके अंदर, तो आपको भी यही प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स, आपका ब्लॉक हो गया या फ्रीज हो गया या आपका डोरमेट हो गया, तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स अनब्लॉक अनलॉक। तो आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, तो इसके अंदर आपको 100% आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बताने वाला हूँ, तो आप दोनों प्रोसेस कर सकते हो। तो चलिए हम अपनी कंप्लेंट को रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। कंप्लेंट के लिए हमको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा अनब्लॉक और अनडोरमेट करने के लिए, अनफ्रीज करने के लिए। तो हमको फ्रेंड्स ये क्रोम में जाने के बाद, क्रोम में आपको फ्रेंड्स ये पेज मिलेगा, वहाँ लिखना है कोटक कस्टमर केयर ईमेल आईडी, तो आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स यहाँ। और यहाँ देखिए, हमको इधर इतने ऑप्शन शो हो रहे, इसमें से आपको कोटक 881 दिख रहा है फ्रेंड्स। अगर आपका कोटक 881 है तो आपको इसमें जाना है, अगर आपका कोटक 881 नहीं है तो भी आप इसके अंदर करोगे तो फ्रेंड्स आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमको कोटक 881 में जाना है फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए, हमको क्वेश्चन इज नॉट लिस्टेड हियर पे क्लिक करना है, जो आपको सबसे नीचे दिखेगा फ्रेंड्स। माय क्वेश्चन इज़ नॉट लिस्टेड हियर, सबके से लास्ट में आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो आपको यहाँ देखना है, सबसे लास्ट में क्लिक कर लेना है। तो हमारा भी एक न्यू पेज ओपन हुआ फ्रेंड्स। क्लिक करने के बाद यहाँ नो नीड मोर हेल्प पे आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स। वॉज दिस इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल, तो आपको नो पे क्लिक करना है। और इधर ईमेल अस का एक ऑप्शन देखने के लिए हमें मिलता है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड ये पूछ रहा है पहले आप कौन से कस्टमर है, तो आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो फ्रेंड्स आपको कभी भी एग्जिस्टिंग कस्टमर को सेलेक्ट कर लेना है। तो हमको ये ऑप्शन दे रहा है, आप नॉन कस्टमर है या आप एग्जिस्टिंग कस्टमर, तो हमको एग्जिस्टिंग सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट टाइप ऑफ कस्टमर पे क्लिक करके, तो अगर आप नॉन पे करते तो फ्रेंड आपकी रिक्वेस्ट नहीं ली जाती, तो एग्जिस्टिंग पे ही करना है। और यहाँ अब आपका ये नाम पूछ रहा है, तो आपको अपना जो भी अकाउंट में नेम था वो आपको यहाँ डाल लेना है। तो हम अपना यहाँ नाम डाल लेंगे फ्रेंड्स। तो आपको पूरा नाम सेम टू सेम लिखना है, नाम डिफरेंट होगा तो आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं वो। और यहाँ अभी आपका फ्रेंड्स मोबाइल नंबर आएगा, तो रजिस्ट्रेशन जो मोबाइल नंबर रहता है रजिस्टर, वही आपको यहाँ एंटर करने का, बाकी कोई और नहीं। और यहाँ हमको अपनी ईमेल आईडी डाल लेना है, आप अगर रजिस्टर ईमेल आईडी डालोगे तो भी चलेगा फ्रेंड्स, नहीं भी डालते हो कोई दूसरी डालते हो भी ही तो चलेगा। उसके अंदर आपको जो रिक्वेस्ट करोगे उसका एक कॉपी आता है फ्रेंड्स, और कन्फर्मेशन ईमेल आता है, आपका पहुँच चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी क्वेरी है, तो हम यहाँ देखिए आपको जैसा बताता हूँ वैसा लिखना है आपको। अगर आपका डोरमेट हुआ है तो आपको अनडोरमेट लिखना है, अगर आपका ब्लॉक हुआ है तो आपको अनब्लॉक लिखना है, अगर आपका फ्रीज हो गया तो आपको अनफ्रीज करना है लिखना है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फ्रेंड्स, माय कोटक बैंक अकाउंट, तो आपको सेम टू सेम लिखना है फ्रेंड, वॉज ब्लॉकड, तो आपको फ्रेंड ये डोरमेट हुआ तो आपको डोरमेट लिखना है ब्लॉकेट की जगह। फिर हम यहाँ लिखेंगे प्लीज़ अनब्लॉक माय ऑल चैनल, तो आपको इतना लिख लेना है। एंड आपका यहाँ अकाउंट डोरमेट हो गया तो फ्रेंड्स आपको लिखना है माय अकाउंट वॉज डोरमेट, प्लीज़ अनडोरमेट माय अकाउंट एंड अनब्लॉक माय ऑल चैनल, ऐसा आपको लिख लेना है। तो फ्रेंड्स आपका अगर ब्लॉक हुआ है तो जैसा मैं लिखा वैसा सेम टू सेम लिख के आप भेज सकते हो। और यहाँ आपका CRN आएगा, ये ऑप्शनल है, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तभी आपको CRN डालना है, अगर रजिस्ट्रेशन है आपका है बैंक में अभी तो आपको CRN नहीं डालना है, सिर्फ आई एग्री पे क्लिक करना है टिक मार्क पे और सबमिट कर देना है। तो हमारा ये जो भी डिटेल है सबमिट हो चुकी है, यहाँ हमारा आ चुका है थैंक यू फॉर शेयरिंग योर डिटेल्स, वी विल रिस्पॉन्ड टू यू विद इन 2 working days। तो बोल रहे हम 2 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे फ्रेंड्स, पर ये 1 दिन के अंदर ही हमको रिस्पॉन्ड कर देते हैं, हमको जल्दी से यहाँ रिप्लाई मिल जाता है। तो हम बात करेंगे फ्रेंड्स आप ऑफलाइन कैसे करें, तो ऑफलाइन बहुत इजी है और 1 दिन के अंदर आपका सारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है। ऑफलाइन फ्रेंड्स आपको ब्रांच में विजिट करना है, आपके जो भी नज़दीक में ब्रांच है कोटक की
वहाँ जाना है और उनको बोलना है हमारा अकाउंट ब्लॉक, डोरमेट या फ्रीज हो गया, तो वो आपका सब फ्रेंड्स अनब्लॉक करके दे देते हैं। डोरमेट हो तो उसको हटा देंगे, आपका चालू कर देंगे। अगर आपका ब्लॉक हो तो उसको अनब्लॉक कर देंगे फ्रेंड्स, या फ्रीज है तो उसको अनफ्रीज कर देंगे, तो सब कुछ आपका चालू हो जाता है ऑफलाइन। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कॉपी आता है, अगर आपने ईमेल आईडी डाला है अपनी तो आपको ऐसा कॉपी मिल जाएगी अपने कंप्लेंट की, तो आपको अपने कंप्लेंट की कॉपी ज़रूर देख लेना है। आपका ईमेल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये कन्फर्मेशन ईमेल भी जो आपने कंप्लेंट लिखा है तो यहाँ आपको शो होता है फ्रेंड्स। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेगी।